हाँ बच्चों, आगे छोटा सा टॉपिक बाकी है, पहले वो पढ़ लेते हैं अपन। एक्विजिशन हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया, लास्ट है छोटा सा ट्रांसफर। ट्रांसफर सिंपल है, ट्रांसफर मतलब एसेट को बेचने का खर्चा। इंडेक्स करते हैं नहीं करते हैं, और बेचने में क्या खर्चा होता है बच्चों? अगर वकील से बात कर रखी है तो लीगल एक्सपेंडिचर, ब्रोकर से बात कर रखी है तो ब्रोकरेज, स्टाम्प एक्सपेंसेस। सिंपल है बच्चों, जिस साल एसेट बेचोगे उस साल अगर कोई खर्चा होता है एसेट बेचने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। और वो खर्चा किसकी जेब से गया होना चाहिए? ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफरर एसेट बेचने के लिए कोई खर्चा हो करेगा तो उसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर बोलेंगे, और एफईसी में से क्या करेंगे? लेस। तो ये बात समझ में आ रखी है, एफईसी समझ में आ गई, तीन खर्चे क्या होते हैं वो क्लियर हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है बच्चों प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए, DOAH and DOAI, that is date of acquisition for holding period and date of acquisition for indexation। ये क्या है बच्चों समझो, मैंने आपको भी बोला था कि अगर किसी को एसेट फ्री में मिलती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो नहीं होती, क्या होती है? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। उसी तरीके से एक और पॉइंट है बच्चों, वो समझो, मतलब 2014 के अंदर फादर किर ने एक बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख में, 2014 का इंडेक्स फॉर एग्जांपल 210 चल रहा है। फादर ने ये बिल्डिंग अपने बेटे को गिफ्ट कब करी? 2017 में गिफ्ट करी, उस दिन 2017-18 का जो इंडेक्स है वो है मान लो 240, ठीक है। बेटा मालिक कब बना? 2017 में बना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बेटे ने ये एसेट 2019-20 में एक्स को बेच दी। अब मिस्टर, अब जो सन है वो आपसे पूछ रहा है, अगर मैंने ये घर X को 19-20 में बेच दिया तो कैपिटल गेन कितना आएगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये आपसे, क्या फादर को टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया गिफ्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन बेटे ने आगे गिफ्ट थोड़ी किया है, वो तो बेचा है, बेचा है तो बेटे को कैपिटल गेन लगेगा। लगेगा तो बच्चों फटाफट सुनो, एफईसी क्या होती है? सेलिंग प्राइस। कितनी है इस क्वेश्चन में? 40। तो एफईसी आ गई 40 लाख। लेस क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटे के लिए एसेट तो फ्री में थी तो अपन ने क्या पढ़ा? कॉस्ट क्या होती है फ्री के केस में? प्रीवियस ओनर। पहले ओनर कौन थे? फादर। और फादर ने कितने रुपए में घर खरीदा था? 10। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ जाएगी? 10 लाख। अब बात आती है P1। तो P1 क्या आएगा? सबको ही पता है 289। अब P0 सबसे इंपॉर्टेंट, P0 में क्या होगा बच्चों? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर सन ने 2017 में मालिक बना और 2019 में बेच दी तो 2 साल ही हुए, या मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि 2 साल से कम हुए। गवर्नमेंट क्या कहती है बच्चों, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, अगर आपको एसेट फ्री में मिलती है तो एक नहीं दो नहीं तीन चीजें पुराने ओनर की होती है। मतलब अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि फादर ने सन को गिफ्ट किया, मर्जर हुआ, अमालगमेशन हुआ, होल्डिंग ने सब्सिडियरी को दिया, तो उस केस में ऐसा समझना कि सन है ही नहीं, आप तो फादर के लिए गेन निकाल रहे हो। मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुराने ओनर की नहीं होगी, होल्डिंग पीरियड भी पुराने ओनर से ही लिया जाएगा और P0 भी पुराने ओनर का ही होगा। मतलब जब आप देखोगे एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, तो सन से लेके मिस्टर एक्स का नहीं देखोगे, फादर कब ओनर बना वहां से लगा के कहां तक देखोगे? मिस्टर एक्स तक। मतलब हो सकता था कि बेटा जब मालिक बना और एक्स को जब दिया तब पीरियड जो होगा वो शायद 2 साल या 3 साल से कम हो। गवर्नमेंट कहती है होल्डिंग पीरियड भी फादर से ही लेंगे, और फादर तो 2014 में मालिक बने, तो ये एसेट क्या हो गई? लॉन्ग टर्म। समझ में आया? तो ये नेक्स्ट फायदा हो गया बेटे को, कॉस्ट भी पुराने ओनर की, होल्डिंग पीरियड भी पुराने ओनर का, और P0 भी पुराने ओनर का। P0 वैसे अपन ने क्या पढ़ा था? जिस दिन आप मालिक बने, आप मतलब सन मालिक बना, तो सन मालिक बना जब तो P0 240 था ना, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, P0 भी पुराने ओनर का, पुराना ओनर का मालिक बना 2014 में, तो उसका इंडेक्स लेंगे 210। अब आपका जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आया? तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक क्या कहता है? अगर किसी को एसेट फ्री में मिलती है तो उस केस में होल्डिंग पीरियड जो है, P0 जो है,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो उस बंदे का नहीं प्रीवियस ओनर का लगेगा। आप तो ऐसे मानना जैसे बेटा है ही नहीं, आप फादर के लिए गेन निकाल रहे हो और फिर जो गेन आएगा बस उस पर टैक्स कौन देगा? बेटा देगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा। फिलहाल अपने बेसिक पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए, अब अपन स्पेशल पॉइंट चालू करेंगे। ठीक है।